वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव। नदर डे नदर वीडियो, एंड आज के दिन हम लगाने वाले अपनी बाइक के ऊपर कुछ ज़्यादा नई सी चीज़ें जो आज के दिन हमने प्लान करी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी बिजी चल रहा था, जस्ट बिकॉज कि हम मोटो स्टोर के ऊपर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज काइंड ऑफ मेंटेनेंस एक्सेसरी फॉर योर बाइक। तो उसके चलते थोड़ा सा गैप हो गया था वीडियोज के अंदर, पर या दिस इज वर्थ वेटिंग एंड वर्थ वॉचिंग। दिस इज द फॉर्मूला एक्स, देख रहे हो, टेंथ ब्लैक ओनर्स के लिए ये जन्नत है। एक बार ये टेस्ट एंड ट्राई हो जाए, इसका हिट एंड ट्रायल चल रहा है अभी। बाकी फॉर द अपडेट ऑफ रॉयल एनफील्ड ग्रुप इज की 80 प्लस मेंबर्स ने रजिस्टर कर दिया है, वी आर एडिंग देम डे बाय डे, 5-10 में रोज ऐड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपको डिले लग रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, आप जल्दी ही ऐड हो जाओगे अपने ग्रुप के अंदर। इफ यू न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज आई ब्रिंग मोटो ब्लॉग्स ट्रैवल तो अभी आने वाला है, एक्सेसरीज मॉडिफिकेशंस फॉर योर एनफील्ड फॉर योर एनी बाइक। तो अपनी क्रिएटिविटी आप सबके साथ शेयर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टॉप वाले माउंट को मैंने एमसील से लगा दिया है, एंड गलती ये हुई है कि इसका जो एंगल है ना वो थोड़ा सा इस तरफ झुक गया है, तो फिर उसके चक्कर में गोप्रो इधर को देख रहा है। जो मुंडी है वो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, एंड आई विल फिक्स दिस माउंट इन दिस। एंड बाकी आज का मेजर अपडेट ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली 40 degrees इन दिल्ली, एंड मेरा जो ये स्पेस है ये एकदम छत के नीचे है, तो यहाँ पर बैठना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। तो यहाँ पर हम लगाने वाले एक विंडो, पहले नीचे रूम था वहाँ से वो निकल के अब यहाँ लगने वाले, बिकॉज इट्स क्वाइट अनबेरेबल टू सिट हियर, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा पूरा काम होता है, वीडियोस से लेकर ऑर्डर से लेकर पढ़ाई से लेकर क्लासेस, जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो के अंदर दिखाया था, दैट वी विल बी इंस्टॉलिंग द स्टिकर्स ऑन आवर बाइक। एंड आप सब कहते हैं कि स्टिकर्स लेकर आओ फॉर योर बाइक। यस, द स्टिकर्स आर हेयर, एंड ये छोटे वाले सिग्नल्स वाले स्टिकर, इनका जो रोल है वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे अपनी बाइक के ऊपर कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट भी करना है काफी पार्ट्स पर एंड काफी जगहों पर, तो उसके लिए आई हैव गॉट दिस कार्बन फाइबर रोल फॉर माई सेल्फ। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोटो स्टोर इंडिया, यू कैन कॉन्टैक्ट, लिंक इज इन द बायो। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सब मेरी वीडियोज जो है वो डेली बेस पर देखते हो, हर रोज देखते हो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चेंज, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि मैं वो चीज़ सुधारूँ, वो चीज़ लेकर आऊँ, एंड क्या नई चीज़ मैं करूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपके मन के अंदर कोई मस्त सा वीडियो आइडिया है ना वो भी डाल दिया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट रिपीटेटिव कंटेंट ऑन माई बाइक, पर या कहीं ना कहीं वो ठीक होता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, पर है तो एकदम उससे ही रिलेटेड ना। तो आप बताओ कि वॉट एल्स कैन आई डू फॉर यू टू जस्ट मेक यू ऑल्सो मेक यू एंटरटेन एंड ऑल्सो ब्रिंग समथिंग न्यू, जो आप चाहते हो कि यार सब कर ही चुके हो क्या ये, एंड तीसरा अपने आ चुके हो वो सबसे ऊपर बैठे। व्हाट्सएप बिजनेस की सबसे बड़ी कमी ही होती है, दैट इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस यू नीड टू टॉक टू एवरी इंडिविजुअल अबाउट द प्रोडक्ट दे वॉन्ट, अबाउट व्हाट्स देयर नीड। पर इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट द ओनर ऑफ दिस स्टोर, यानी मैं, आई एम ओनली इंटरेक्टिंग विद यू गाइज, ये मेरा ही स्टोर है, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू ऑन मोटो स्टोर इंडियाज इंस्टाग्राम, मोटो स्टोर इंडियाज व्हाट्सएप, एंड दैट रॉयल इनफील्ड ओनर्स इलाइट क्लब जो भी अपना ग्रुप है वहाँ के सारे हैंडल्स मैं हैंडल करता हूँ। बात करते हैं अबाउट द ऑर्डर, इतना ज़्यादा कॉन्वर्जेशन करते हैं, एंड आई रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू देम, एंड दिस से कि नहीं अभी नहीं चाहिए, इट डजेंट हर्ट मी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कस्टमर नीड। पर या स्टैंड कि अगर जब इफ यू आर 100% श्योर दैट यू वॉन्ट दिस आइटम एंड इट विल गेट टू यू, मतलब वो आपके पास आएगा ही आएगा, इसके तो फ्रॉड या फिर ऐसे कुछ होने का ऑब्वियसली चांस नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली हैंडलिंग, देर इज नो थर्ड पर्सन, ये गाइस बात याद रखना, आई एम ओनली हैंडलिंग एवरीथिंग। जब सीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब ज़्यादा ऑर्डर आने लगे, ऑब्वियसली आई अपॉइंट अ टीम फॉर दैट, आई अपॉइंट डेडिकेटेड पर्सन फॉर दैट। तो इफ यू आर 100% श्योर अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट कि चाहिए, उसके बारे में YouTube पे सर्च करो, हर चीज़ सर्च करो, मुझसे पूछो, पर तब पूछना जब आप 100% श्योर हो, ठीक है। एंड प्राइजेस आर गिवन इन द कैटलॉग, यू कैन गो एंड गेट देम देयर, एंड अपने मोटो स्टोर इंडिया पे वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की एक एक डिटेल्ड रिव्यू आएगा, एंड एन्जॉय दैट ऑल्सो, एंड वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक इज इन द बायो। And many people were asking about this lock. Yes, this is available at Moto Store India at a very nominal price. You can go and check the catalog. आज हम करने वाले हैं इस बाइक का कंप्लीट कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट। कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट मतलब कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अब इसके जो मेजर पार्ट्स हैं ना, छोटे छोटे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया, वो हम इसके उतार देंगे। तो आज हम उतारने क्या क्या वाले हैं, हम पीछे से लेकर आगे तक जाएंगे, एंड वो हर चीज़ उतार देंगे जिस पे हमें कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट करना है। एंड उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी किसकी, हमारी टूल किट की। एंड ये जो लाइट है
ये भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं सबके लिए, सो थोड़ा सा वेट करो एंड थोड़ा सा वॉच करो, ठीक है। एक तो पहली चीज़ हमारी ये हो गई, ये ग्रिल, इसके ऊपर मुझे करना कंप्लीट कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट। सेकंड चीज़ हमारी आ जाती है ये, अभी ये सारे पार्ट्स निकल चुके हैं। ये देखो, ये साइलेंसर का निकल चुका है एंड ये निकल चुका है, ये निकल चुके हैं, अब आरी आती है इसकी। जो हमारा साइलेंसर के पास आ जाता है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 पार्ट्स हैं जिनको मैं करने वाला हूँ कार्बन फाइबर के अंदर रैप। पर जो चीज़ हमें चाहिए वो मिलेगी हमें यहाँ पर, तो पता ही है ना, वी वर्क लाइक अ बॉस एंड वी हैव एवरीथिंग। सो तो सोचो रैप को लगाने के लिए क्या चाहिए एंड क्या ज़रूरत होती है एक रैप को लगाने की। हीट गन, यस, अपने पास सब है यार। इन सारे पार्ट्स को करूँगा अच्छे से वॉश एंड देन उसके बाद इनको करूँगा मैं रैप। सो सबसे छोटे पार्ट से शुरू करते हैं बिकॉज दे आर द वेरी ईजी वन। यही तो करने का घर बैठ के, और क्या करने का आप बताओ भाई, क्या रैप किया है भाई। तो कुछ टाइम बाद बाइक भी रैप करवाई लूँ। इन चीज़ों को मुझे प्रॉपरली फिक्स करके सारी चीज़ें करी मैंने डिसमेंटल एंड बाइक से सारा सामान निकाल दिया, जिसके अंदर मेरा क्या हुआ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। ये क्लिप देखो, सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो मैं कल आपसे वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सो कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर एंड आपका संडे कैसा जा रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। ये जो है इस वीडियो का पार्ट वन होने वाला है, बाकी देखते हैं। इसके अंदर मैं सारे पार्ट्स कवर कर दिए एंड या स्टिकर कितना प्यारा लग रहा है वाला, बैटरी बॉक्स की जो क्लिप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा एंड यू कैन बाय एवरीथिंग ऑन मोडो स्टोर इंडिया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू। दिस पार्ट वन, पार्ट टू के लिए वेट करो कल या परसों जब भी आएगा। कल मिलते हैं एंड हेयर आर कंप्लीटली ऑयली। इफ़ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन ऑन, ओके। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके देखना, बढ़िया कंटेंट डालते हैं वहाँ पे एंड वहाँ पर भी मैं और ज़्यादा एक्टिव हो रहा हूँ एंड ऑब्वियसली यूट्यूब पर भी और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। कल मिलते हैं, टेक केयर।